गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल पेंथ इलेवन। आज वीडियो हम बात करने वाले हैं एनबीए बास्केटबॉल के रिगार्डिंग बात करेंगे। फर्स्ट मैच जो आज एनबीए का खेला जाएगा न्यूयॉर्क वर्सेस आपको फोनिक्स सन्स के साथ ये मैच खेला जाएगा। इस वीडियो में हम मेसल और जेल के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, इसलिए गाइस स्किप मत कीजिए। सबसे पहले दोनों टीम की जो आज के मैच में स्टार्टिंग फाइव प्लेयर्स होने वाली है उसकी बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो फोनिक्स सन्स की तरफ से आज के मैच में जो स्टार्ट करेंगे क्रिस पॉल पॉइंट गार्ड सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। शूटिंग गार्ड से आपको एल सेकमेंट स्टार्ट करेंगे, स्मॉल फॉरवर्ड से आपको माइकल ब्रीज रहेंगे और पावर फॉरवर्ड से आपको टॉरी कैरेज स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। सेंटर से आपको डी एटन स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। और गाइस बात करते हैं फोनिक्स सन्स की तरफ से आज के मैच में तीन प्लेयर्स आउट रहने वाले हैं। डी बुकर आउट रहेंगे, जे क्राउडर आउट नजर आएंगे और सी जॉनसन आउट रहेंगे। दो प्लेयर्स जी डी डी है बट मोस्टली चांसेस है यहाँ पर एल सेकमेंट प्ले करेंगे। बाकी सी पाने की बात करते हैं ये गेम टाइम डिसीजन है, इसके अपडेट्स आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और गाइस यहाँ पे न्यूयॉर्क की तरफ से बात करते हैं, यहाँ पे पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपको जे ब्रोसनल जी टी डी है बट मोस्टली चांसेस से ये प्ले करेंगे। अगर प्ले करते हैं तो हमारे टीम में भी पिक करेंगे। माइकल ब्रीज की बात करते हैं, यहाँ मैक ब्रीज आपको पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करते हुए नजर आएंगे और स्मॉल फॉरवर्ड से आपको क्यू ग्रीम से स्टार्ट करेंगे। पावर फॉरवर्ड से गाइस यहाँ पे जेरन डाले स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और सेंटर से आपको एम रॉबिन्सन स्टार्ट करेंगे। गाइस बात करते हैं यहाँ पे जो आज के मैच में आउट प्लेयर्स रहने वाले न्यूयॉर्क की तरफ से, यहाँ पे ओटेपिन्स आउट नजर आएंगे, आर बल्लेट आउट नजर आएंगे आज के मैच में। हम गाइस बात करते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। बट गाइस वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट टीम आने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल फ्री टीम होती है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो बेहतरीन रिजल्ट्स आपको सभी फॉर्मेट पे यहाँ पे मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और प्ले कर सकते हो, हमारे टीम से बिल्कुल फ्री टीम होती है। गाइस लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में ये वाले लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो और अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। ये लिंक आप या तो टेलीग्राम में आकर सर्च कर सकते हो @11abc और ज्वाइन कर सकते हो, या आपको कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना और प्ले करना। और गाइस आपके लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन भी लेके आया हूँ, विजन इलेवन, अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो मच बेटर है, अगर नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि विजन इलेवन पे प्ले करने का बेनिफिट्स यह है कि यहाँ पे आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्रेडिट की कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लेस कंपटीशन, लो एंट्री फी है अदर एप्लीकेशन के मुकाबले। आप सर्च कर लेना, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। यहाँ पे आपकी लॉस रिकवर हो सकती है, क्योंकि विजन इलेवन पे हमारी जो विनिंग्स आपको 80-90% मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, रिजल्ट्स भी आप विजन इलेवन का चेक कर सकते हो। अगर आपने डाउनलोड कर लिया मच बेटर, नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो और अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं आज के मैच में जो दोनों टीम की लास्ट मैच के बॉक्स स्कोर है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको न्यूयॉर्क की टीम लास्ट मैच जीत के आ रही है, और इनके तरफ से आईक्यू के लिए जो स्टार्ट किया था बेहतरीन परफॉर्म इन्होंने किया था, 40 मिनट्स प्ले किया था, 17 पॉइंटर इनके कनेक्ट हुए थे, 5 रिबाउंड कलेक्ट किया था और 7 असिस्ट बॉल को पासिंग करते हुए नजर आए थे, 3 स्टील इनके थे। जे रंडाले की बात करें, ये आपको पावरफॉर्ड से प्ले करते हैं, 35 इनके पॉइंटर कनेक्ट हुए थे और 12 इन्होंने रिबाउंड कलेक्ट किया होता, 6 इनके असिस्ट, 1 इनके ब्लॉक थे। गाइज क्यू ग्रीम्स की बात करें, 36 मिनट प्ले किया था, 19 पॉइंटर, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 2 इनके स्टील थे। एम बैक ब्रीड की बात करें, जिन्होंने 35 मिनट्स प्ले किया था, 5 पॉइंटर, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। और एम रॉबिन्सन की बात करें, 33 मिनट्स इन्होंने प्ले किया था, 6 पॉइंटर, 12 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 3 ब्लॉक इनके थे, 3 इनके स्टील थे। बेंच से प्ले करने आए थे यहाँ पे ई फॉर्नियर, जिन्होंने 20 मिनट्स प्ले किया था, 8 पॉइंटर, 1 रिबाउंड, 1 इनके असिस्ट थे। और यहाँ पे हायर टेंशन की बात करें, जिन्होंने 15 मिनट्स प्ले किया था, 4 इनके रिबाउंड से 1 असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। डी रोज की बात करें, जिन्होंने 11 मिनट्स प्ले किया था, 4 पॉइंट, 1 रिबाउंड, 1 इनके असिस्ट थे। अब गाइज बात करते हैं सेकेंड टीम की, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो फोनिक्स सन्स लास्ट का हार के आ रही है, और इनके तरफ से गाइज माइकल ब्रीज जो स्टार्ट किए थे, 37 मिनट्स प्ले किए थे, 21 पॉइंटर, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 इनके ब्लॉक थे। सी पॉल की बात करें, 35 मिनट्स प्ले किए थे, 20 पॉइंट, 5 रिबाउंड और 12 इनके असिस्ट थे, 1 इनके स्टील थे। डी आइटन, जिन्होंने 31 मिनट्स प्ले किया था, 4 पॉइंटर और 7 रिबाउंड्स इनके थे, 3 इनके असिस्ट थे। गाइज यहाँ पे सी कैरेज की बात करें, टी कैरेज की, जिन्होंने 30 मिनट्स प्ले किए थे, 13 पॉइंटर, 7 रिबाउंड्स, 1 असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। और जे ओकी की बात करें, जिन्होंने 12 मिनट्स प्ले किए थे, 5 पॉइंटर, 1 रिबाउंड, 2 इनके असिस्ट थे, गाइज 1 इनके स्टील थे। बेंच से प्ले करने आते हैं यहाँ पे वेन राइट, जिन्होंने 23 मिनट्स प्ले किया था, 9 पॉइंटर, 2 रिबाउंड, 4 इनके स्टील थे। डिली की बात करें, 21 मिनट्स प्ले करके आ रहे, 6 पॉइंटर, 3 रिबाउंड इनके थे। और गाइज यहाँ पे डी सारिक की बात करें, 20 मिनट्स प्ले किए थे, 9 पॉइंटर, 2 रिबाउंड और 3 इनके असिस्ट थे। अब गाइज बात करते हैं जेरन डाले के, जिन्होंने 17 मिनट्स प्ले किया था, 6 इनके पॉइंटर थे।
रिबाउंड की बात करें 11 इनके रिबाउंड थे, 1 इनके असिस्ट थे गाइस। और यहाँ पे वॉशिंगटन की बात करते हैं, 13 मिनट्स इन्होंने प्ले किए थे, 11 पॉइंट 2 रिबाउंड, 2 इनके असिस्ट थे। अब गाइस बात करते हैं दोनों टीम के तरफ से आज के मैच में जिस प्लेयर्स को हम लोग एसएल और डीएल में पिक करेंगे उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट गार्ड सेक्शन से आप देख सकते हैं जे ब्रोशन आज के मैच में जीटीडी है। अगर ये आज के मैच को प्ले करते स्टार्ट करेंगे हमारे टीम में रहने वाले, क्योंकि अटैकिंग प्ले करेंगे, अपनी टीम में मस्ट पिक कर लीजिएगा। अगर आउट रहेंगे तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। सी पॉल स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन ऑप्शंस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी, आपको रिबाउंड असिस्ट और ब्लॉक भी करते हुए नजर आएंगे, अपनी टीम में इनको मस्ट पिक कर सकते हो। सी पाइन है, जीटीडी है, अगर प्ले करते हैं तो पिक कीजिएगा। अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों प्लेयर्स की आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे जे ब्रूसन और सी पाइन की भी मिल जाएगी। आईक्यू के लिए आपको लास्ट में जो स्टार्ट किया था बेहतरीन परफॉर्म किया था, अटैकिंग प्ले करते हैं अपने टीम में इनको मस्ट पिक कीजिए, क्योंकि ये आपको अच्छे खासा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। डी रोस लास्ट में जो बेंच से प्ले किए थे अच्छा खासा इनको टाइम मिला था, क्योंकि जे ब्रूसन आउट थे तो यहाँ पर डी रोस को टाइम मिला था। डी वॉशिंगटन को भी अच्छा खासा टाइम मिलता है और अच्छे खासे परफॉर्म भी करते हैं अपने टीम में। डी वॉशिंगटन को भी ट्राई कर सकते हो, क्रेडिट मैनेज के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। शूटिंग गार्ड से गाइस यहाँ पे बात करते हैं, डी बुकर आउट रहेंगे, ड्रॉप कर दीजिए। और यहाँ पे ग्रीम्स आपको स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन ऑप्शन 8.5 क्रेडिट में अवेलेबल है। लास्ट मैच भी इनका परफॉर्म बेहतरीन रहा था, अपने टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। ई फोर्नियर आपको लास्ट मैच बेंच से प्ले करते हुए नजर आए थे, अच्छे परफॉर्मर, लास्ट सीजन ये स्टार्ट करते थे सभी मैच में अच्छे परफॉर्मर, सभी मैच में इनका एवरेजिंग 30+ रहता था, बट अभी बेंच से प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा कम टाइम इनको मिल रहा है। तो अपने टीम में चाहो तो क्रेडिट मैनेज के लिए इनको ट्राई कर सकते हो। डीली की बात करें बेंच से प्ले करेंगे। एल सेकमेट आज के मैच में जीटीडी है, बट मोस्टली चांसेस है ये आज के मैच को प्ले करते हुए नजर आएंगे। और जे ओकी अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं, क्रेडिट मैनेज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अटैकिंग प्ले करते आपको 10 से 15 पॉइंट इजिली दे सकते हो, अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। यहाँ स्मॉल फॉर्वर्ड से बात करते हैं, जे बर्नेट आउट रहेंगे, ड्रॉप कर दीजिए। और माइकल ब्रिजेस स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, बेहतरीन ऑप्शन 3 पॉइंटर स्पेशलिस्ट है, आपको रिबाउंड असिस्ट भी करते हैं अपनी टीम में ट्राई कीजिए। रेडिस जो है आपको बेंच से प्ले करेंगे, क्रेडिट मैनेज के लिए इनको ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज एसएल टीम में ड्रॉप कर दीजिए। बीबी अम्बो जो है आपको बेंच से प्ले करेंगे, वेनराइट भी बेंच से प्ले करते हुए नजर आएंगे, कोई खास इनका परफॉर्म नहीं रहता है तो अल्टरनेट करके आप जीएल में ट्राई कीजिए, एसएल में ड्रॉप कर सकते हो। जेरन डाले स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, बेहतरीन ऑप्शन ये, आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी इनके साथ जा सकते हो, जो आपके अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हैं। सी जॉनसन आउट रहेंगे, ड्रॉप कीजिए इनको। और यहाँ पे टी कैरेस की बात करें स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन ऑप्शंस बन सकते हैं। और ओ टॉपेंस की बात करें अपनी टीम में चाहो तो एसएल टीम में इनको ले सकते हो, जो आपके लिए अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। जे सिम्स ये भी आपको बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, बेंच से प्ले करते हैं, आप इनको चाहो तो अपनी टीम में वैसे ट्राई कर सकते हो। आप गाइस बात करते हैं यहाँ सेंटर से, तो सेंटर से डी आइटन्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन, अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ये अच्छे खासे परफॉर्म भी करते हैं, अपनी टीम में इनको मस्ट पिक कर लेना। और एम रोबिनसन की बात करते हैं, एम रोबिनसन स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। हाई हरी टेंशन की बात करें, ये आपको बेंच से प्ले किए थे लास्ट मैच, वैसे चाहो तो अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये भी बन सकते हैं। जेरन डाले बेंच से प्ले करते हुए नजर आए थे। और डी सैरिक की बात करें, बेंच से ये सब प्ले करते हुए नजर आए थे। अब गाइस बात करते हैं टीम प्रीव्यू की, जो आज के मैच में हमारी रहने वाली है। बट गाइस उससे पहले आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ये कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो @PantherElevenABC और ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे फाइनल एसएल टीम आने वाली है, ये लोगो आपको दिख जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और गाइज आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट सभी NBA की वीडियोस मिल जाएंगे और अब अदर जो मैचेज हैं बास्केटबॉल के सभी की मैच की वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और सभी का फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आप पहुंच सकेगा। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे सेट टीम प्रीव्यू की, तो सेट टीम में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पॉइंट गार्ड सेक्शन से 3 प्लेयर्स को लिया हुआ। सी पॉल स्टार्ट करेंगे हमारे टीम में एज ए PP रहने वाले, कैप्टनसी भी आप जा सकते हो अगर जीएल प्ले करते हो अटेंडेट करके। और क्विकली हमारी टीम में ट्राई किया मैंने, यहाँ पे डी वॉशिंगटन को मैंने टीम में ट्राई किया, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। और क्यू ग्रीम्स स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। माइकल ब्रिज भी बेहतरीन ऑप्शन। और जेरन डाले को मैंने कैप्टन स्ट्राइक किया हुआ, डी आइटन्स और यहाँ पे एम रॉबिन्सन या सब आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस होने वाले हैं। यहाँ पे डी आइटन्स भी आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं, तो अपनी टीम में इनके साथ भी जा सकते हो। वैसे गाइस बहुत सारे प्लेयर्स GTD है, सभी के अपडेट्स और लाइनअप्स वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री टीम होती है, टीम भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। या गाइस आप टेलीग्राम में विजिट करते हो तो आप सर्च कर सकते हो
@PantherIlevenABC और ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल फ्री टीम आती है। और गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।